मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं आप, कितना बड़ा है ना, और इनकी डालियां इतनी लचीली हैं कि इन्हें आप खींचोगे तो ये तुरंत आपकी तरफ झुक जाएंगी। खैर पेड़ होते ही ऐसे हैं, इन पे जितना दबाव पड़ता है ये उतना झुकते चले जाते हैं, और मालूम है इनका ये लचीलापन इनको आंधियों में टूटने से बचा लेता है। और सोचिए अगर इसकी जगह कोई सूखा या फिर अकड़ा हुआ पेड़ हुआ तो क्या वो आंधी की मार झेल पाएगा? नहीं, ये सूखी डाली ऐसे टूट जाता है, वो यूं ही बिखर जाता है। और ऐसे ही होते हैं हमारे रिश्ते। यदि हमारे अंदर कोमलता, लचीलापन उन रिश्तों को लेकर के नहीं है, अकड़ है, ईगो है, एटीट्यूड है, तो एक ना एक दिन वो तमाम रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो आज से झुकना सीखिए, कोमल बनिए, प्यार जगाइए अपने अंदर उन तमाम लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं, दिल से फिक्र करते हैं आपकी। क्योंकि कल जब कोई आंधी आपके पास आएगी, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम, तो यही तमाम लोग, यही रिश्ते आपको उस प्रॉब्लम से बचा लेंगे। इनको झुकाना नहीं है, इनके आगे झुकना सीखना है। यार सूरज के आगे चांद झुक जाता है और चांद के आगे सूरज झुक जाता है, हम तो फिर भी मामूली से इंसान हैं। देखिए ये बात तो श्री कृष्ण ने भी कही है कि बड़ों के आगे जितना ज़्यादा झुकोगे लाइफ में उतना ऊपर जाओगे। प्रणाम।